आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये तीन चीजें कर चुके हैं। नेक्स्ट, मजेदार, दिमाग लगेगा थोड़ा सा, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑल्सो नोन एज OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मीनिंग क्या होता है ध्यान से देखना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस buying and selling of government securities, buying and selling of government securities by the central bank to commercial banks or the general public। पब्लिक भी गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स और जनरल पब्लिक। कैसे यूज करते होंगे इस टूल को ध्यान से देखना बेटा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पैसा रेज कर सकती है। वो एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देते हैं कि आपसे पैसा लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कंपनीज लोन्स लेते हैं हम बैंक से, तो एक एग्रीमेंट होता है कि हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। यस सर, ट्रांसफर इनकम जो होता था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। तो जो पब्लिक डेट है, तो जो गवर्नमेंट अगर रेज कर रही है पैसा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके कर सकती है। कमर्शियल बैंक्स को भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, और बेसिकली वो उन गारंटी ले रहे हैं कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, इतना पैसा हम आपका विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। अब ध्यान से देखना इस टूल को यूज कैसे किया जाता है। टू increase the money supply in the economy। अगर RBI money supply को increase करना चाहता है तो क्या करते होंगे ध्यान से देखना। RBI purchases government securities held by the commercial banks or public। They purchase। Initially government ne issue kari hongi, to commercial banks ke paas government securities padi hui thi worth 10,000 crores, let us assume। RBI purchase कर रहा है government securities किससे? Commercial bank से। तो जब RBI commercial bank से purchase करेगा या public से purchase करेगा government securities, तो पैसा कहाँ से कहाँ transfer हो रहा है? RBI से commercial banks के पास, yes or no? Yes sir। तो RBI के पास, RBI से पैसा transfer हो रहा है commercial banks के पास, उनके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे। सब कमर्शियल बैंक के पास बढ़ जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे। यस सर। तो उनके पास जब फंड्स बढ़ जाएंगे, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यस सर। ज्यादा लोन्स होंगे, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा या कम होगा? सब बढ़ेगा। So, to increase the supply of money in the economy, RBI purchases government securities
held by the commercial banks or the public. This increases the money available with the commercial banks and therefore their lending capacity. Therefore, their lending capacity. This will increase the money supply in the economy. Yes or no? Clear? Yes, sir. Answer it. To reduce the supply of money in the economy, RBI sells government securities to the commercial banks or the public. This will reduce. अब जब कमर्शियल बैंक्स पैसा यूज कर लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने में, उनके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास? रिपीट करना। अगर कमर्शियल बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा ट्रांसफर हुआ कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास, पब्लिक से आरबीआई के पास, तो जो कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल फंड्स हैं बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सब कम हो जाएंगे। करेक्ट। दिस विल रिड्यूस द अवेलेबल फंड्स विद द कमर्शियल बैंक्स और द जनरल पब्लिक एंड देयरफॉर, ये देयरफॉर ऐसा नहीं लगना चाहिए, एंड देयरफॉर मनी सप्लाई विल रिड्यूस। तो इफ दे वांट टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दे सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई। इफ दे वांट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी in the economy, they purchase, they buy back the government securities. Government securities carry interest. So, jab bhi RBI option dega, RBI government ke behalf pe ye transaction kar raha hai, government securities hai na, to interest milta hai. Commercial banks would like to invest in government securities. Sabse safe investment hoti hai. Public khushi khushi invest karna chahegi, sabse safe investment hoti hai. But kabhi kabhi aisa option deti hai RBI कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर दे व्हेन दे वांट टू बाय बैक, तो कहते हैं अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, देख लो कंटिन्यू करना है वरना हम बाय बैक करने के लिए तैयार है। तो उनको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, दे बाय दे परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स और द जनरल पब्लिक, और दे सेल दी सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको यूज किया जाता है। तो क्या था ये? ये था टूल। किस चीज का टूल? मॉनेटरी पॉलिसी का, क्वांटिटेटिव मेजर्स में टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। लास्ट क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? लास्ट मेजर
बड़ा ही इंटरेस्टिंग, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, LRR, ये प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अंडरस्टैंड करने में भी काम आएगा, LRR की अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी टर्म है, लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं इसको, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं इसको। ध्यान से देखना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, दो टाइप के, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है LRR। ध्यान से देखना, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। हम जितने भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स को उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है एज रिजर्व्स, कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है एज रिजर्व्स। आपने बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट करे, तो कमर्शियल बैंक उन पैसों का क्या करता होगा, आगे लोन देता होगा, यस और नो? यस सर। तो क्या वो आगे पूरा का पूरा लोन दे सकता है? कह रहे नहीं, कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने जरूरी है, कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखने पड़ते हैं, कुछ उनको अपने पास। तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो होते हैं रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, विद द आरबीआई। और SLR होता है रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद themselves, कुछ उनको अपने पास ही रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, कुछ आरबीआई के पास। तो जो आरबीआई के पास उसको बोलते हैं CRR। ध्यान से देखेंगे, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड, अकॉर्डिंग टू द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल बैंक्स आर ओब्लाइज्ड, it is mandatory for them to maintain reserves. It is a very quick and direct method for controlling the credit creating power of commercial banks. Pehle meaning samajhte hain, fir main usko kaise use kar raha hai wo main aapko explain karunga. Cash reserve ratio, it refers to the minimum percentage of net demand and time deposits or liabilities, banks ki wo liabilities hoti hain, to be kept by commercial banks with the central bank. तो बैंक्स को कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स, कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्स। तो जो उनको अपने पास रखना है, दैट इज SLR, मिनिमम परसेंटेज इतना तो होल्ड करके रखना ही है एज रिजर्व्स, कुछ आरबीआई के पास रखना है उसको बोलते हैं CRR। मीनिंग क्लियर है CRR और SLR का? यस सर। अब ध्यान से देखना, अगर आरबीआई आपकी बैंक की, कमर्शियल बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दे कि 100 रुपए आपके पास आए, 20% आपको रिजर्व मेंटेन करना है, तो आप आगे बाकी लोन दे सकते हो 80%। यही वॉइस का मतलब कि अगर 20% मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने हैं, तो इनडायरेक्टली ये बोलो ना कि बाकी लोन दे सकते हो। यस सर। यस सर। अगर मैं रिजर्व 30% कर दूं, तो आप कम लोन दे पाओगे या ज्यादा? सर कम। तो ऐसे ही यूज करते हैं
रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, ध्यान से देखना, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, आरबीआई रिड्यूसेस द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर को कम कर दो, एसएलआर को कम कर दो, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाए, रिजर्व कम कर देंगे तो ज्यादा लोन्स दे पाएंगे कमर्शियल बैंक्स, यस और नो? यस सर। टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी, वो चाहते हैं कम पैसा रहे इकोनॉमी में, तो आरबीआई इंक्रीजेस द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, अगर रिजर्व की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक्स आगे कम लोन दे पाएंगे, मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अभी हमने क्या कवर करे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव मेजर्स करेंगे और बाकी फंक्शंस करेंगे सेंट्रल बैंक।